नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। राशिफल की श्रृंखला में आज 4 जनवरी 2022 दिन मंगलवार पौष मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि जो 5:19 संध्या तक रहेंगे। नक्षत्र उत्तरासारा जो 10:37 तक रहेंगे। उपरांत श्रवण नक्षत्र का आगमन हो जाएगा जिसके स्वामी चंद्रदेव हैं। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे पूरे दिन। राहु काल 3:02 PM से लेकर 4:20 PM तक। तो आइए आज का राशिफल शुरू करें। सबसे पहले मेष राशि। चंद्रदेव आपके दशम स्थान में बैठे हुए हैं और चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य भाग भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग से सारे काम आज आपके बनने वाले हैं। भाग काफ़ी साथ देगा आपको। जो आदमी सरकारी काम करते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनको काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं। जो व्यक्ति सरकार से काम लेके अपने काम को करते हैं, टेंडर लेते हैं, उनको भी काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं। सूर्यदेव नवम में बैठे हुए हैं और संतान पक्ष की काफ़ी उन्नति करा रहे हैं। संतान पक्ष से काफ़ी लाभ होगा, संतान की काफ़ी उन्नति होगी, अच्छे जॉब संतान को लगेंगे। बृहस्पति देव आपके बैठे हुए हैं एकादश स्थान पर और राहु के नक्षत्र में है, राहु द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं। आज के दिन पैतृक संपत्ति से आपको काफ़ी लाभ होने वाला है, धन का संग्रह कर सकते हैं। 8:01 से लेकर 10:57 तक समय काफ़ी शानदार है, भाग काफ़ी प्रबल रहेगा। व्यवसाय से आपको काफ़ी लाभ होंगे। 10:57 से लेकर 12:45 तक। 10:47 से चंद्रमा चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में जो उनका अपना ही नक्षत्र है और चंद्रमा चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं। दशम स्थान से बैठ के चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं। काम धाम की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी। काम धाम में काफ़ी भाग दौड़ रहेगा जिसके कारण आपको इनकम भी होंगे। 12:45 से लेकर 14:01 तक, यानी 2:01 तक का समय कहीं से अच्छा नहीं है। छोटे मोटे चोट लग सकते हैं, घटना दुर्घटना हो सकता है, तो इस समय सावधान रहें आप। 12:45 दोपहर से लेके 2:01 तक। 2:01 से लेकर 5:16 तक मन काफ़ी बेचैन रहेगा आपका। जमीन जायदाद में कुछ उलझने आएंगी, जमा पूंजी में कुछ कमी होने की संभावनाएं प्रबल हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। विशेष करके आँख में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। 5:16 से लेकर 8:10 तक समय बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। पूरे दिन के खराब समय इस समय अच्छे समय में परिणित हो जाएंगे आपके। काफ़ी लाभ होगा, मान सम्मान मिलेगा, यश प्रतिष्ठा मिलेंगे आपको। कुल मिलाकर दिन काफ़ी अच्छा है आपका। दिन मंगलवार है, हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। वृषभ राशि। चंद्रदेव आपके भाग भाव में बैठे हुए हैं, बुध शनि भी भाग भाव में बैठे हुए हैं, भाग को काफ़ी प्रबल कर रहे हैं आपका। व्यापार स्थान के स्वामी मंगल और केतु व्यापार स्थान में ही बैठे हुए हैं। जमीन के व्यापार करने वाले को काफ़ी लाभ होगा। दवा के व्यापार करने वाले थोड़े सावधानी रखें। 8:01 से लेकर 10:57 तक का समय बहुत अच्छा नहीं है आपका। पिता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकता है, वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकते हैं आपके। 10:57 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे अपने ही श्रवण नक्षत्र में और भाग्य काफ़ी प्रबल रहेगा आपका। पराक्रम काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा, पराक्रम से आप बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक रह सकते हैं आप। 12:45 से लेकर 14:01 तक, यानी 2:01 तक व्यापार में काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं। जो व्यक्ति जमीन का व्यापार करते हैं, फर्नीचर का व्यापार करते हैं, उन्हें काफ़ी लाभ होगा। जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन का व्यापार करते हैं, उन्हें भी काफ़ी लाभ होगा। जो व्यक्ति दवा का व्यापार करते हैं, उन्हें भी काफ़ी लाभ होगा। 14:01 से, यानी 2:01 से लेकर 5:16 तक मन काफ़ी बेचैन रहने की संभावनाएँ हैं, मन काफ़ी बेचैन रहेगा आपका। भाग दौड़ की स्थिति काफ़ी बनी हुई रहेगी, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा,
कोई भी काम में आप एप्रोप्रिएट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। 5:16 से लेकर 8:10 तक का समय बहुत ही शानदार है। इस समय हर बिगड़े काम आपके बन जाएंगे, काम धाम में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी आपकी, मान प्रतिष्ठा में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, पैतृक संपत्ति से काफ़ी लाभ होगा, जमा पूंजी में भी बढ़ोतरी होगी। 8:10 से लेके 10:10 तक रात्रि मन थोड़ा सुस्त रहेगा, दिन भर के थकान से आप थोड़ा बेचैन रहेंगे, माथे में दर्द रहने की संभावनाएं प्रबल हैं, तो कुल मिलाकर दिन आपका मिला जुला ही है। मंगलवार का दिन है, आज के दिन आप मंगल के ही मंत्रों का जाप करें तथा श्री सुक्तम का पाठ करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मिथुन राशि, चंद्रदेव आपके अष्टम में बैठे हुए हैं और चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, व्यवसाय में काफ़ी नुकसान होने की संभावनाएं हैं, काफ़ी गुस्से में रहेंगे आप, गुस्से में समझ में नहीं आएगा कि किसको आप क्या बोल रहे हैं, शत्रु आपके परास्त होंगे, परंतु आज के दिन किसी भी तरह का यात्रा करना गुनाह है, किसी भी तरह का यात्रा ना करें, यात्रा से काफ़ी नुकसान होने की संभावनाएं हैं, विशेष करके वाहन से तो यात्रा आप नहीं करें। 10:47 से चंद्रमा चले जाएंगे अपने ही नक्षत्र में, तो चंद्रमा अष्टम में बैठे हुए हैं तो मन की बेचैनी से आप परेशान रहेंगे, धैर्य रखें, आज अपना गुस्सा दूसरे पर न उतारें। 14:01 यानी 2:01 से लेकर 5:16 तक मन ज़्यादा बेचैन रहेगा आपका, जिससे काफ़ी हानि होने की संभावनाएं हैं, आपको विदेश से लाभ होने की संभावना है, जो विदेश से व्यापार करते हैं आँख में भी आज आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। 5:16 से लेकर 8:10 तक थोड़ा भाग्य साथ देगा आपका, थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी, तो दिन कहीं से भी बहुत अच्छा नहीं है, किसी भी कीमत पर यात्रा ना करें। दिन मंगलवार है, सुंदरकांड का पाठ करना ही श्रेष्ठ रहेगा, सुंदरकांड का पाठ करें तथा शिवलिंग पर अनार का रस चढ़ावें और वहीं बैठकर गायत्री मंत्र का पाठ करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कर्क राशि, चंद्रदेव आपके सप्तम में बैठे हुए हैं, साथ में बुध बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं, तो काफ़ी बुद्धिमान रहेंगे आप, व्यापार से भी काफ़ी लाभ होगा। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य छठे में बैठे हुए हैं, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होना तय है, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं उनका प्रमोशन भी हो सकता है, दूर प्रदेश उनका ट्रांसफर भी हो सकता है, सरकारी नौकरी करने वाले के लिए आज दिन बड़ा ही शानदार है। शत्रुओं का समन होगा, मान सम्मान आपको मिलेगा। 8:01 से लेकर 10:57 तक काफ़ी मान सम्मान आपको मिलने वाला है, काफ़ी खुश मिजाज रहेंगे, खर्च की अधिकता रहेगी, घर के सजावट का सामान खरीदेंगे, लेकिन किसी भी महिला का अपमान आज के दिन न करें तो ज़्यादा अच्छा है, महिला के अपमान करने से आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 10:57 में चंद्रदेव चले जाएंगे अपने ही नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में, और चंद्र कर्क राशि के स्वामी हैं, कर्क राशि आप ही की राशि है, तो मन काफ़ी उत्साहित रहेगा, काफ़ी घूमने फिरने का प्रोग्राम बनेगा, हर तरफ से आपको लाभ होने की संभावनाएं हैं। 12:45 से लेकर 2:01 तक दिन बहुत ही शानदार है आपका, बहुत ही शानदार दिन, हर तरफ से लाभ होगा, शेयर सट्टा लॉटरी में काफ़ी लाभ होने की स्थिति है, संतान से भी काफ़ी लाभ होने की स्थिति है, लेकिन संतान खुद से शादी ब्याह कर सकते हैं, जो युवा हैं अपने से प्रेम विवाह कर सकते हैं। 2:01 से लेकर 15:16 तक इनकम ही इनकम है आपको, हर तरफ से इनकम होगा, चारों तरफ से इनकम होगा, लेकिन याद रखेंगे राहु आपके एकादश में बैठे हुए हैं, अनैतिक इनकम न करें तो ज़्यादा अच्छा है, विशेष करके सरकारी कर्मचारी। 5:16 से लेकर 8:10 तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, सर्दी खांसी का प्रकोप ज़्यादा हो सकता है, पेट में प्रॉब्लम हो सकता है, तो रात्रि में स्वास्थ्य का ध्यान दें, खान पीन पीने पर ध्यान दें। कुल मिला के दिन आपका मिला जुला ही है, मंगलवार का दिन है, शिवलिंग पर आज ईख का रस चढ़ावें और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय तथा शिव जी के 108 नाम का जाप करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। सिंह राशि,
चंद्रदेव बैठे हुए हैं छठे स्थान पर, शनि और बुध के साथ बैठे हुए हैं, व्यापार में लाभ हो सकता है। सूर्य आपके पंचम में बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, आय को देख रहे हैं, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, मान सम्मान काफ़ी मिलेंगे, उच्च अधिकारियों से काफ़ी लाभ होगा, उच्च अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे। राहु आपके दशम में बैठे हुए हैं जो सूर्य के ही नक्षत्र में है, तो कोई भी गैर संवैधानिक कार्य या गैर अनैतिक कार्य आप न करें, विशेष करके सरकारी कर्मचारी। जब तक राहु सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको गलत काम करने पर। 8:01 से लेकर 10:57 का समय काफ़ी शानदार है, हर तरफ से लाभ होगा। 10:57 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे चंद्रमा के ही नक्षत्र में, और चंद्रमा आपके 12वें स्थान के स्वामी हैं, और चंद्रमा छठे स्थान से बैठ के 12वें स्थान को देख रहे हैं। कर्ज लेने की स्थिति होगी, घूमने फिरने की ज़्यादा स्थिति होगी, यात्रा की स्थिति होगी, खर्च ज़्यादा होने का समय है आपका। शत्रु का लेकिन समन होगा, शत्रु आपके सामने नहीं टिकेंगे। 12:45 से लेकर 2:01 तक जमीन जायदाद से आपको काफ़ी लाभ होगा। जो व्यक्ति जमीन जायदाद का कारोबार करते हैं काफ़ी लाभ होगा, मकान से काफ़ी लाभ होगा, मकान खरीद सकते हैं आप, माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। 2:01 से लेकर 5:16 तक मन बहुत ज़्यादा बेचैन रहेगा, काम में भी काफ़ी प्रॉब्लम होंगे। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं उनको भी काम में काफ़ी प्रॉब्लम होने की संभावनाएं प्रबल हैं, बिना मतलब के लांछन लग सकता है। 5:16 से लेकर 8:10 तक का समय शानदार है, काफ़ी शानदार समय है, पूरे दिन की क्षति की पूर्ति हो जाएगी। मंगलवार का दिन है, मंगल के मंत्रों का जाप करें, सूर्य को जल चढ़ावें। ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः, ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः, हनुमान चालीसा का पाठ करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कन्या राशि, चंद्रदेव आपके पंचम में बैठे हुए हैं और सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य भी आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। सरकारी नौकरी करने वाले को काफ़ी मान सम्मान मिलने वाला है। जो व्यक्ति पुलिस में है प्रशासन में है काफ़ी अच्छे ढंग से अपने काम का निपटारा करेंगे। आपके उच्च अधिकारी आपको काफ़ी शाबाशी देंगे, प्रशंसा करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति हृदय रोगी हैं अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करें, स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है आपको। 8:01 से लेकर 10:57 तक का समय काफ़ी अच्छा है आपका, हर काम बनेगा, स्त्री पक्ष से काफ़ी लाभ होंगे। नई गाड़ी खरीदने का प्रोग्राम बना सकते हैं, नए घर खरीदने का प्रोग्राम बना सकते हैं, पिता से भी काफ़ी लाभ होने की स्थिति बनती है। 10:57 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे अपने ही नक्षत्र में, चंद्रमा के ही नक्षत्र में चले जाएंगे और काफ़ी शानदार समय होगा आपका। चंद्रमा पंचम में बैठे हुए एकादश को देख रहे हैं, चंद्रमा एकादश स्थान के ही स्वामी हैं, हर इच्छाएं पूरी होंगी, हर इच्छाएं पूरी होंगी, धन का लाभ होगा। जो व्यक्ति व्यवसाय करते हैं चारों तरफ से उनको फायदा मिलने वाला है। जो व्यक्ति शोध करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं, पत्रकार हैं, काफ़ी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। जो पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उन्हें भी काफ़ी लाभ होगा। 12:45 से लेकर 2:01 तक पराक्रम काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा आपका, जमीन जायदाद से काफ़ी लाभ होंगे, शेयर सट्टा लॉटरी से काफ़ी लाभ होने की संभावनाएँ प्रबल हैं आपके। 2:01 से लेकर 5:16 तक थोड़ा मन बेचैन रहेगा आपका ज़्यादा, लेकिन संतान से काफ़ी लाभ होगा, किस्मत साथ देगा, सरकारी नौकरी करने वाले का प्रमोशन होगा। 5:16 से लेकर 8:10 तक का समय स्वास्थ्य के लिए आपके लिए अच्छा समय नहीं है, स्वास्थ्य से परेशानी हो सकती है, बिना मतलब का यश प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। दिन मंगलवार है, आज के दिन 1.25 किलो मसूर का दाल किसी भी पुरोहित को दान करें तथा गणेश जी का 108 नाम जाप करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। तुला राशि, चंद्रदेव आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, दशम स्थान को देख रहे हैं, कार्य के क्षेत्र में काफ़ी भाग दौड़ रहेगी, लेकिन कार्य का हर क्षेत्र आपका सुंदर रहेगा और बनेगा, हर काम आज आपका बनेगा, यात्रा का योग है। लेकिन चंद्रमा चतुर्थ में बैठे हुए हैं,
सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य आपके तृतीय में बैठे हुए हैं, किसी भी कीमत पर यात्रा ना करें, यात्रा से नुकसान होगा। 8:01 से लेकर 10:57 तक स्त्री पक्ष से आपको नुकसान होने की संभावनाएं प्रबल हैं। दाम्पत्य जीवन में तनाव रहने की संभावनाएं प्रबल हैं। दाम्पत्य जीवन के स्वास्थ्य से आपको परेशानी हो सकती है। 10:57 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में, जो उनका अपना ही नक्षत्र है, तो समय काफ़ी अच्छा आ जाएगा आपका। कार्य के क्षेत्र में बहुत ही शानदार समय आ जाएगा, हर काम आपके बनेंगे। भाग दौड़ की स्थिति ज़्यादा रहेगी। 12:45 से लेकर 2:01 तक जमीन जायदाद के कार्य से काफ़ी लाभ होगा। पैतृक संपत्ति से आपको काफ़ी लाभ होगा। जो व्यक्ति पुलिस में है, प्रशासन में है, सेना में है, उनके हर काम बनेंगे। 2:01 से लेकर 5:16 तक का समय कहीं से भी अच्छा नहीं है। चोट चाट लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होंगी। उच्च अधिकारियों से आपको काफ़ी डांट फटकार भी मिल सकता है। उच्च अधिकारी आपसे काफ़ी नाराज भी रह सकते हैं, लेकिन पराक्रम आपका काफ़ी भरा हुआ रहेगा। ऐसे में उच्च अधिकारियों के किसी भी डांट का आप जवाब देंगे तो आपको हानि होने की संभावनाएं प्रबल हैं। 5:16 से लेकर 8:10 तक बेहतरीन समय है आपका, शानदार समय है आपका। संतान से काफ़ी लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगा, यश प्रतिष्ठा में भी कोई हानि नहीं होगी। आय के साधन भी आपके बड़े प्रबल रहेंगे। शेयर सट्टा लॉटरी से भी आपको फायदा होगा। 8:10 से लेके पूरे 10 रात तक समय अच्छा है। दिन भर के थकान से आप चूर रहेंगे, इसलिए आज के दिन जल्द नींद आ जाएगी। सोते वक्त विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। श्री सूक्त काज पाठ करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। वृश्चिक राशि, चंद्रमा तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं, बुध और शनि के साथ बैठे हुए हैं, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, यात्रा से भी काफ़ी लाभ होने की स्थिति आपकी बनती है। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य धन भाव में बैठे हुए हैं, वाणी में थोड़ी कठोरता रहेगी, वाणी में थोड़ा सा अभिमान रहेगा, लेकिन पैतृक संपत्ति से लाभ होने की स्थिति बहुत प्रबल है। पिता से भी लाभ होने की स्थिति आपकी बहुत प्रबल है। आज के दिन शेयर सट्टा लॉटरी से भी आपको लाभ होने की स्थिति बहुत प्रबल है। 8:01 से लेकर 10:57 तक स्त्री पक्ष से काफ़ी लाभ होगा। जमीन जायदाद से आपको काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं। हर बिगड़े काम बनने की संभावनाएं हैं। 10:57 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में, जो चंद्रमा का ही नक्षत्र है, और भाग्य आपका इस समय से बहुत प्रबल हो जाएगा। चंद्रमा आपके भाग भाव के ही स्वामी हैं, और चंद्रमा भाग भाव को देख रहे हैं, साथ में बुध भी देख रहे हैं भाग भाव को, तो भाग आज के दिन बहुत प्रबल रहेगा। 10:57 के बाद व्यापार से काफ़ी लाभ होंगे आपको। जो व्यक्ति टीचिंग का काम करते हैं उनको भी काफ़ी लाभ होगा। जो व्यक्ति सिंगर हैं उनकी वाणी में काफ़ी मधुरता रहेगी, काफ़ी मिठास रहेगी, उनको भी काफ़ी लाभ होगा। 12:45 से लेके 2:01 तक गुस्से की भावना थोड़ी ज़्यादा रहेगी, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है आपको, ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो सकता है, तो स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है आपको। लेकिन जमीन जायदाद से आपको काफ़ी लाभ होने की संभावना है। जो व्यक्ति दवा का काम करते हैं काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं। जो व्यक्ति संचार माध्यम से काम करते हैं काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं। जो व्यक्ति पत्रकार हैं, मीडिया हाउस चलाते हैं, उनको भी काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं हैं। 2:01 से लेकर 5:16 तक पार्टनरशिप व्यापार से काफ़ी लाभ होगा। स्त्री पक्ष से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, जीवनसाथी के स्वास्थ्य से भी परेशानी हो सकती है। 5:16 से लेकर 8:10 का समय काफ़ी शानदार है आपका, काफ़ी शानदार समय है। हर काम बिगड़े काम बनेंगे, मान प्रतिष्ठा यश मिलेगा आपको, तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले दिन शानदार है। यात्राएं काफ़ी होंगी और यात्रा से भी आपको लाभ होगा। आज के दिन आप हनुमान चालीसा का 11 पाठ करें तथा सुंदरकांड का भी पाठ करें, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। धनु राशि, चंद्रदेव द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, बुध के साथ बैठे हुए हैं, व्यापार से आज काफ़ी लाभ होगा। जमा पूंजी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। पार्टनरशिप के व्यापार से भी आपको काफ़ी धन की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, काफ़ी लाभ उनको होने की संभावनाएँ हैं।
बृहस्पति देव तीसरे स्थान से बैठ के आपके भाग को देख रहे हैं, तो भाग काफी प्रबल हो रहा है आपका। बृहस्पति भी राहु के नक्षत्र में है, राहु आपके कुंडली में बैठे हुए हैं छठे स्थान पर। शत्रु आज आपसे जीत नहीं सकते हैं, शत्रु को उपदेश देके आप शांत कर देंगे। आंख पे प्रॉब्लम नजर आ रही है, आठ बज के एक मिनट से लेकर 10:57 तक का समय बहुत ही शानदार है। स्त्री पक्ष से काफी लाभ होगा, लेकिन किसी भी महिला को ऊंचे स्वर में बात ना करें वरना नुकसान होने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। 10:57 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे श्रवण नक्षत्र में, जो उनका अपना ही नक्षत्र है। चंद्रमा की राशि कर्क है और कर्क आपके आठवें भाव की राशि है। चंद्रमा द्वितीय भाव से आठवें भाव को देख रहे हैं। यात्रा का काफी योग है, विदेश से काफी लाभ होगा। माथे में थोड़ी बहुत चोट लगने की संभावना है या माथा में दर्द रहने की संभावनाएं ज्यादा है। 12:45 से लेकर 2:01 तक स्थिति अच्छी नहीं है, खर्च की बहुत ज्यादा अधिकता रहेगी, शत्रु ज्यादा परेशान कर सकते हैं, आंख में प्रॉब्लम हो सकता है आपको, लेकिन विदेश से आपको लाभ हो सकता है। 2:01 से लेकर 3:16 तक का समय मानसिक तनाव का समय रहेगा आपका। शत्रु के कारण मानसिक तनाव में रहेंगे, लेकिन शत्रुओं का समन तो आप करेंगे ही करेंगे। 5:16 से लेकर 8:10 तक का समय बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार समय है। हर तरफ से आपको लाभ होगा, भाई से लाभ होगा, दोस्तों से लाभ होगा, स्त्री पक्ष से लाभ होगा, मान सम्मान में आपकी काफी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर समय मध्यम है आपका। आज के दिन आप मंगल के मंत्रों का जाप करना ना भूलें। ओम क्रौं क्रीं क्रौं सर्वमाय नमः, ओम क्रौं क्रीं क्रौं सर्वमाय नमः, तथा 1.25 किलो मसूर का दाल किसी भी महिला पुजारी को दें, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मकर राशि, चंद्रदेव आप ही की राशि में बैठे हुए हैं, साथ में शनि बैठे हुए हैं, नींद की स्थिति ज्यादा रहेगी, आलस आज आपको ज्यादा आएगा। चंद्रमा जो है सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य 12वें में बैठे हुए हैं, तो पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है ज्यादा, आप अपने स्वास्थ्य पर भी ज्यादा ध्यान दें। 8:01 से लेकर 10:57 तक खर्च ही खर्च है, काफी मौज मस्ती में खर्च कर सकते हैं, अच्छे अच्छे सामान खरीदने में खर्च कर सकते हैं। 10:57 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे चंद्रमा के ही नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में, और चंद्रमा लग्न से बैठ के, राशि से बैठ के अपने राशि को देख रहे हैं। व्यापार से काफी लाभ होने की संभावनाएं हैं, भाग दौड़ की स्थिति रहेगी, यात्रा का योग रहेगा, यात्रा से भी आपको लाभ होगा। एक आंख में प्रॉब्लम दिखलाई देता है तो आंख के डॉक्टर से मिले। 12:45 से लेकर 2:01 तक बहुत सुंदर समय है, बहुत ही शानदार समय है। 12:45 से लेकर 2:01 तक इस समय जो जमीन जायदाद का काम करते हैं उनको काफी लाभ होगा। जिनका जमीन जायदाद गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ है उससे भी काफी लाभ होगा। हर तरफ से लाभ होने की संभावना है आपका। 12:45 से लेकर 2:01 तक समय का फायदा उठावे आप। 2:01 से लेकर 5:16 तक संतान पक्ष से नुकसान होने की संभावना है, संतान आपसे विद्रोह कर सकते हैं, संतान आपकी बात नहीं मान सकते हैं, तो आपको परेशानी में पड़ेगी, मानसिक तनाव में भी आप रहेंगे। 5:16 से लेकर 8:10 रात्रि तक धन का काफी संग्रह करेंगे आप, धर्म में काफी आस्था रहेगी, जमीन जायदाद से काफी लाभ होने की संभावनाएं हैं। तो 5:16 से लेकर 8:16 तक हर तरफ से आपको लाभ होगा। किसी भी बुजुर्ग को आज के दिन 1.25 किलो चने का दाल, किसी भी बुजुर्ग को 1.25 किलो चने का दाल दान करें और सुंदर कांड का पाठ करें, काफी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। कुंभ राशि, चंद्रदेव बैठे हुए हैं आपके 12वें स्थान पर, किसी भी तरह का यात्रा करना आज के दिन उचित नहीं है। चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य भी बैठे हुए एकादश स्थान पर, खर्च की काफी अधिकता रहेगी, मान सम्मान में कुछ कमी होने की स्थिति बनती है। ये स्थिति 10:57 तक बन रही है 8:01 से। 10:57 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे अपने ही नक्षत्र में, चंद्र के नक्षत्र में,
विदेश से काफी लाभ होने की संभावनाएं प्रबल हैं। यात्रा का भी योग बन सकता है, लेकिन चंद्रमा बाड़मेर में है तो आज के दिन यात्रा न करें तो ज्यादा अच्छा है। 10:57 के बाद माता के स्वास्थ्य में विशेष हानि हो सकती है, माता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। 2:01 से लेकर 5:16 तक मन बहुत बेचैन रहेगा आपका, माता के स्वास्थ्य के कारण भी मन बहुत बेचैन रहेगा, माता के स्वास्थ्य में काफ़ी हानि हो सकती है। 5:16 से लेकर 8:10 तक का समय स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है आपका, स्वास्थ्य में हानि हो सकती है। बृहस्पति भी राहु के नक्षत्र में है, स्वास्थ्य पे ध्यान दें। कुल मिला के दिन आज आपका कहीं से भी अच्छा नहीं है। आज के दिन मंगलवार है, सुंदरकांड का पाठ करें तथा शिवलिंग पर अनार का रस चढ़ावें और शिवालय में ही बैठ के या हनुमान मंदिर में बैठकर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। मीन राशि, चंद्रदेव आपके एकादश में बैठे हुए हैं, सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य दशम में बैठे हुए हैं, बहुत ही शानदार समय है आपका। हर काम से लाभ मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है। सरकारी नौकरी करने वाले का मान सम्मान प्रमोशन होना बहुत ज़्यादा प्रबल है। सरकारी नौकरी करने वाले का ट्रांसफर होना बहुत ज़्यादा प्रबल है। प्रशासन में जो काम करते हैं उनके काम की काफ़ी सराहना की जाएगी। पुलिस सेवा में, सेना में जो है उनको भी काफ़ी लाभ मिलेगा। जमीन ज़्यादा से आज आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। 8:01 से लेकर 10:57 का समय बहुत ही शानदार है। स्त्री पक्ष से काफ़ी लाभ मिलने की संभावनाएँ प्रबल हैं। 10:57 के बाद चंद्रमा चले जाएंगे चंद्रमा के ही नक्षत्र में, और चंद्रमा एकादश स्थान से आपके पंचम स्थान को देख रहे हैं जो उनका खुद का स्थान है। संतान पक्ष से काफ़ी लाभ मिलेगा, संतान से काफ़ी खुशखबरी मिलेगी। इनकम के भी सोर्स बहुत अच्छे रहेंगे। 12:45 से लेकर 2:01 तक का समय और भी शानदार है मीन राशि वाले आपका। 12:45 से लेकर 2:01 पर जमीन जायदाद का जो काम करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से भी आज के दिन आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। 2:01 से लेकर 5:16 तक का समय बहुत अच्छा नहीं है। यात्रा का योग है, किसी से झंझट लड़ाई हो सकता है तो इससे सावधानी बरतें। 5:16 से लेकर 8:10 तक का समय बहुत ही शानदार है। विदेश से काफ़ी लाभ होगा। जो व्यक्ति ज्योतिषी हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, उनकी हर बात आज विशेष करके 5:16 से लेकर 8:10 तक आप समझे कि सरस्वती जी आपकी जिब्बा पर बैठी हुई हैं, तो ये भी समय अच्छा है आपका। मीन राशि वाले, दिन आपका बहुत अच्छा है। हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें, हं हनुमन्ते नमः रां रामाय नमः, हं हनुमन्ते नमः रां रामाय नमः, हं हनुमन्ते नमः रां रामाय नमः, चाहे ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, काफ़ी लाभ होगा, दिन आपका शुभ हो। राशिफल की श्रृंखला में इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।